अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक ससुर और बहू की कहानी, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, सुनिएगा ज़रूर। मिश्रा जी 60 बरस के थे, दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी को 10 साल पहले ही हो गई थी और बेटे की बस कुछ साल पहले ही पत्नी का देहांत। बेटी की शादी के कुछ साल बाद ही एक बीमारी से हो गया था। भगवान की दया से बहू बहुत अच्छी मिली थी और एक प्यारा सा पोता भी हो गया था। दिन भर अपने पोते के साथ खेलते, किताबें पढ़ते, घर के काम भी करते, खाने पीने के मामले में भी कोई नखरे नहीं करते। बहू जो भी देती वो खा लेते, ऐसा नहीं कि बहू पूछती नहीं थी। शुरू में तो उसने कई बार पूछा कि बाबूजी नाश्ते में क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं, लेकिन बाबूजी हमेशा यही कहते कि जो तेरा मन हो वो बना ले। उम्र के इस पड़ाव पर जब बाकी बुजुर्ग थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं और बात बात पर आनाकानी या नखरे दिखाते हैं, तो वहीं मिश्रा जी सबसे अलग थे। उनके ना ही कोई नखरे थे और ना ही कोई आनाकानी। कई बार बहू के मन में यह सवाल आया कि आखिर बाबूजी की कोई तो इच्छा होगी या कुछ हो और कुछ। एक दिन हिम्मत करके उसने बाबूजी से पूछ ही लिया कि बाबूजी आप तो मेरे पापा से भी कम नखरे दिखाते हो, वो तो मेरे पापा हैं, फिर भी अपने पसंद नापसंद बताते रहते हैं और हर दूसरे दिन अपनी कभी ये चीज़ तो कभी वो चीज़ बनाने की फरमाइश करते हैं। लेकिन मुझे इस घर में आए 3 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया, लेकिन आपके मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना। बाबूजी ने बस हंस के बात को टाल दी तो उनकी बहू भी आज पक्का मन बनाकर बात जानने आई थी। उसने बोलना जारी रखा, बाबूजी ऐसा नहीं चलेगा, हर किसी के कुछ ना कुछ तो नखरे होते ही हैं ना, चाहे कोई कितना भी सीधा क्यों ना हो, लेकिन नखरे तो नखरे ही होते हैं, थोड़े बहुत। बापूजी ने ऐसा कुछ नहीं है बहू, तू ज़्यादा सोचती है, कहकर बात टालनी चाहिए, लेकिन इस बार तो बहू नहीं मानी ना, जारी रखा कि नहीं बाबूजी मुझे विश्वास नहीं होता, क्या आपकी मेरे सामने कोई झिझक है? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मेरे लिए आप भी मेरे पापा जैसे ही हैं। मैं आजकल की बहू जैसी नहीं हूँ जो छोटी मोटी बातों पर बुरा मान जाऊंगी। अपने पापा समान ससुर जी के बहुत थोड़े बहुत नखरे तो उठा ही सकती हूँ, या फिर आप मुझे इस काबिल ही नहीं समझते। बाबूजी ने भाव थोड़े गंभीर हो गए, वे समझ गए कि उनके कोई नखरे ना दिखाने की बात अब बहू अपने ऊपर ले जा रही है और खुद को दोषी मानने लगी है। वे कुछ बोलना चाह ही रहे थे लेकिन बहू ने बोलना जारी रखा, बाबूजी अगर आप मुझे अपना नहीं समझते या मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइए, लेकिन ऐसे मुझसे किसी भी चीज़ का ना मांगना या कोई भी नखरे नहीं दिखाना सच में मुझे बहुत अखरता है। आखिर कुछ तो आपकी भी पसंद नापसंद होगी, कुछ तो नखरे होंगे। बापूजी ने बहूरानी के सभी शंकाओं पर विराम लगाते हुए बस एक बात बोली और बात वहीं समाप्त हो गई। दरअसल बेटा, जब मैं 1 साल का ही था तभी मेरी माँ चल बसी थी, तो मेरे नखरे उठाता कौन। बहू निस्तर हो गई और बात वहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।